नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं दोस्तों मैं उसमें आप कह सकते हैं पब्लिक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि स्टॉक में वीडियो बनाना चाहिए और अभी कुछ समय पहले ही सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के एक मेंबर ने कहा कि इस जो स्टॉक है जिस स्टॉक के आपसे चर्चा करने वाला हूँ उसके ऊपर वीडियो बनाइए और एक क्विक एनालिसिस का वीडियो बनाइएगा ठीक है तो मुझे लगा अब समय आ गया है कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों मैं उसने जून में ही वन इजू वन का बोनस भी दिया अपने निवेशकों को जिस सेक्टर की ये कंपनी है दोस्तों उसमें अक्सर एक बात चलती है कि भाई इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है ये जो प्रोडक्ट है ये अब लग्जरी ना रह करके के बनता चला जा रहा है दोस्तों लगातार और जिस प्रकार का आप कह सकते हैं स्टॉक में बातें चल रही हैं उससे ही दोस्तों कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी स्टॉक में बढ़ती चली जा रही है तो क्या स्टॉक में निवेश का सबसे अच्छा मौका है क्या यहाँ से हंड्रेड क्योंकि वन इस टू वन के बाद ना स्टॉक एक आप कह सकते हैं रिटेल निवेशक के रडार पे आ गया है क्योंकि खरीदने के लिए स्टॉक काफ़ी हद तक का अफोर्डेबल हो गया है ठीक है तो क्या ये समय स्टॉक में खरीदारी करने का आने वाले समय क्या चैलेंजेस हैं कैपेक्स को लेकर के क्या प्लान है कंपनी आने वाले समय टारगेट क्या प्रोसेस कर रही है ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं निवेश की सोच रहे हैं वाले तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएंगी दोस्तों और इतना ही नहीं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया हुआ है उसे जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे कोई भी दोस्तों इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ निकल के आती है तो मैं वहाँ शेयर ज़रूर करता हूँ क्योंकि हर एक वीडियो के ऊपर आप, आप हर एक न्यूज़ या आप कह सकते हैं जो आप न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ आती है उस पर वीडियो तो बनाया नहीं जा सकता तो मैं वहाँ पर हर एक आर्टिकल को शेयर जरूर कर देता दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है आप जा करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं दोस्तों इसके लिए चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है बहुत मोटिवेशन मिलती है तो अब स्टॉक का नाम क्या है तो देखिए सबसे पहले स्टॉक का नाम बता दूं स्टॉक का नाम है दोस्तों ब्लू स्टार जी हाँ और जिस सेक्टर में आता है आपको पता है भाई ए सेक्टर में आता है अभी अभी वन वन का बोनस मिला है इसके जून में और इस स्टॉक पर जो निवेशक है रिटेल निवेशक वो इसीलिए अब खरीदारी करने की बात कह रहे हैं क्योंकि क्या अब समय है इसमें खरीदारी करने का तो सबसे पहले बता दूं अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं एक रेड फ्लैग जो है उसमें ये है ये अपनी बुक वैल्यू से टेन टाइम्स मोर में ट्रेड कर रहा है जी हाँ ये अभी भी एक महंगा स्टॉक है लेकिन ये कभी भी आपको बहुत ज़्यादा चीप नहीं मिलेगा तो टेन टाइम्स मैं कहूँगा महंगा है लेकिन यहाँ से एक्यूमुलेशन और अगर यहाँ से कुछ पाँच दस परसेंट गिरावट हो जाती है तो तो ये आप कह सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म अच्छा हो सकता है ठीक है क्वार्टर वन के जो नतीजे है दोस्तों कंपनी के वो अच्छे थे और जब मैं कहता हूँ ना अच्छे दोस्तों उसके पीछे का रीज़न ये है इस बार के जो पूरे इनके सीजन रहे सबसे बड़ा झटका इनको ना अनसीजनल रेन ने दिया नॉर्दर्न इंडिया में जो नॉर्दर्न इंडिया में अनसीजनल रेन रही इसने एक बहुत आप कह सकते हैं इनके बिज़नेस को इम्पैक्ट किया इसके बावजूद कंपनी ने एक अच्छी आप कह सकते हैं चाल दिखाई बात करें कंपनी की रेवेन्यू की दोस्तों तो कंपनी की रेवेन्यू में तेरह प्रतिशत की ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ साफ साफ देखने को मिलेगी ठीक है और ये जो तमाम आप कह सकते हैं कंपनी में जंप देखने को मिला उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो ई बिजनेस है वो कंपनी का काफ़ी अच्छा काम किया इतना ही नहीं कंपनी ने ग्रॉस मार्जिन में एक्सपेंशन किया है जी हाँ ईयर ऑन ईयर कंपनी ने ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन किया है रीजन एक्सपेंशन किया था दोस्तों कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट थी वो कम हुई थी लेकिन एक्सपेंशन जो ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन है जो लगभग आप कह सकते हैं वन ट्वेंटी बेसिस पॉइंट का रहा है वो और भी ज़्यादा रहता दोस्तों लेकिन जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसिस हैं जो पिछले साल सा, आप, 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 आप कह सकते हैं सिक्स पॉइंट एट परसेंट था वो ईयर ऑन ईयर बेस पे अब सेवन पॉइंट टू परसेंट रह गया है तो वहां से जो खर्चे आए उसने जो मार्जिन एक्सपेंशन थी उसे थोड़ा कम करके रखा दोस्तों ठीक है इतना ही नहीं दोस्तों ये जो तमाम चीज़ें हैं आप नंबर्स को अगर हटा दें तो अगर आप देखेंगे ना तो जो पूरा ए सेक्टर है अभी बहुत ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के दौर से गुजर रहा है और पिछले कुछ समय में अगर आप स्क्रीनर में जा कर के इसको देखेंगे तो चाहे वो कोई भी हो वोल्टास हो ब्लू स्टार हो हर उसमें एक चीज़ कौनस में आपको पाएंगे नेगेटिव में कि भाई सेल्स अच्छी नहीं हुई है और ये प्रॉब्लम वाकई में रही दोस्तों पिछले दो चार सालों में तमाम ए सी कंपनीज की और इसमें कॉम्पटिशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो जो ब्लू स्टार है दोस्तों आप कह सकते हैं जो कमर्शियल ए है उस पर थोड़ा फोकस करने की बात कह रहा है जिसमें आपको थोड़ी देर में आऊँगा मैं बात करें इस कंपनी की कि इंटरनेशनल बिजनेस कैसा रहा क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट में ना मार्जिन बहुत अच्छे रहते हैं तो एक्सपोर्ट में दोस्तों आपको पता होगा मिडिल ईस्ट में आजकल बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो वहाँ से जो धंधा है वो बड़ा मज़बूत आ रहा है हाँ कतर से आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत जो आप कह सेल्स एक समय बहुत अच्छी आती थी वो थोड़ी नर्म होती हुई दिखाई दे रही हैं लेकिन जो मलेशिया है जो पिछले कई क्वार्टर से बहुत बहुत आप कह सकते हैं एक स्लो डाउन दिखा रहा था उसने अच्छा बाउंस बैक किया है इतना ही नहीं कंपनी कुछ आप कह सकते हैं आगे की तौर पे भी देख रही है कि अपनी एक्सपेंशन करें जियो जियोग्राफीज में तो कंपनी अब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है दोस्तों ठीक है और इतना ही नहीं ये सिर्फ सोच नहीं रही है इसके तहत दोस्तों कंपनी ने एक आप कह सकते हैं लैंड पार्सल भी ख़रीदा है श्री सिटी में ठीक है वहाँ पर कंपनी का ये मानना है कि भैया हम वहाँ पर कमर्शियल ए और आ, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे एक्सपोर्ट हो उसके लिए यूज़ करेंगे दोस्तों ठीक है और आप कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसने ये देख रहे हैं कि भाई जो फाइनेंशियल ट्वेंटी फोर है ठीक है उसमें लगभग 10 से 15 परसेंट की हम ग्रोथ करेंगे एसी में और ये इंडस्ट्री के बराबर है कोई ऐसा इन्होंने आप कह सकते हैं ग्रोथ के ख्वाब नहीं पाल लिए हैं कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल हो सकता है ठीक है क्योंकि देखिए टेन टू फिफ्टीन की ग्रोथ इट्स नॉमिनल और पिछले कुछ समय से जो स्लो डाउन है सेल्स में इसके कारण आप देख सकते हैं कि जो कह सकते हैं जो जो ये दस से पंद्रह परसेंट की मजबूती देख रहे हैं ये अगर बिजनेस नॉर्मल टू थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो भी अचीवेबल है दोस्तों ठीक है और जो मेन चैलेंज मुझे लगता है कंपनी ने जो मैनेजमेंट ने कहा है वो ये है कि वो जो अपना रूम ए है दोस्तों उस पर मार्केट शेयर जो कंपनी का भी लगभग साढ़े तेरह परसेंट है उस साढ़े तेरह परसेंट को बढ़ा करके पंद्रह परसेंट करेंगे फाइनेंशियल ट्वेंटी फाइव तक और अगर ऐसा कर लेते हैं ना दोस्तों ये बहुत पॉजिटिव होगा क्योंकि देखिए लगातार मार्केट शेयर ना वोल्टास लूज कर रहा है और पिछले कुछ समय में वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को देख रही और बहुत एग्रेसिवली ये लगातार वो जो मार्केट शेयर लूज़ कर रही है उसे गेन करना या एटलीस्ट वहाँ पर बने रहने के लिए लगातार प्रयासरत है तो देखना ये होगा क्या ब्लू स्टार की मैनेजमेंट का जो एक कहना है कि भैया हमको ना तेरह साढ़े तेरह परसेंट पंद्रह परसेंट जाना है एसी में ये होगा नहीं होगा ये हमको देखना पड़ेगा बात करें कंपनी की तो ये जो तमाम सोच है ये चीज़ें हैं उसके लिए पैसे लगते हैं तो कंपनी ने कहा है कि हमारा जो कैपेक्स प्लान है वो लगभग साढ़े सात सौ करोड़ है नेक्स्ट तीन सालों के लिए जी हाँ आने वाले तीन सालों में कंपनी का कहना है कि हम साढ़े सात सौ करोड़ रुपए कैपेक्स प्लान करेंगे और भाई देखिए अगर कंपनी कैपेक्स प्लान करेगी तो कंपनी को पैसे चाहिए और कैपेक्स प्लान के लिए कर्जे उठाएंगे और जिस तरह के कंपनी के साथ जो कर्जा ना दोस्तों कई कर्ज़े ऐसे हैं कि जो बहुत हाई कॉस्ट डेट हैं तो इसको हटाने के लिए कंपनी ये कह रही है कि भाई हम लगभग एक हज़ार करोड़ रुपए फंड रेज करेंगे थ्रू क्यू आई पी ठीक है और आप देखें इसके थ्रू क्या करेंगे जो हाई कॉस्ट डेट है हम उससे हटाएंगे और बाकी को ऑपरेशनल इफ़िशेंसी में लगाएंगे देखिए ब्लू स्टार अगर आप मुझे पूछेंगे ना एज ए कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है अभी जब बोनस हो गया है उसके बाद आपको पता होगा स्टॉक थोड़ा सा ठहरता है थोड़ा सा आप कह सकते वो तेज़ी नहीं दिखाता जब वो आप कैसे बोनस के बाद जो तेज़ी होती है उसकी चीज़ें बहुत स्लो हो जाती हैं तो पिछले आने वाले कुछ समय तक आपको स्टॉक कोई बहुत बड़ी रैली दिखाए इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं ठीक है देखिए स्टॉक मार्केट है कुछ भी हो सकता है लेकिन मुझे ये लग रहा है अगर कोई गिरावट होती है यहाँ से तो एक्यूमोलेशन के लिए अच्छी चीज़ है क्योंकि ब्लू स्टार एक्सपोर्ट को लेकर के काफ़ी अच्छी है मार्जिन में एक्सपेंशन कर रही है इतने ख़राब माहौल के बावजूद ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप ब्लू स्टार में निवेश करने की सोच रहे हैं दोस्तों बिल्कुल बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है हड़बड़ाने की बजाय एक्यूमुलेशन मोड में रहें यहाँ से पाँच दस परसेंट अगर नॉर् नीचे मिल जाती है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक काफ़ी अच्छी कंपनी होगी बट ए का जो सेक्टर है ठीक है आप समझिए एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी से गुजर रहा है कंपनियाँ कमर्शियल इशीज़ के थ्रू भी जा रही हैं जहाँ पे उनको देख रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ मौके हो सकते हैं आने वाला जो एक से दो साल है दोस्तों क्योंकि पिछले काफ़ी समय जो सेल्स है जो वो काफ़ी स्लो डाउन रही हैं चाहे वो कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी हो और जो अनसीजनल रेन है उसने भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं जो पीक समर सीजन होता है उसकी जो प्रॉपर सेल्स होनी चाहिए उसे दबाव में रखा तो जो अगले साल है दोस्तों वहाँ पर अगर बारिश नहीं होती है और एक काफ़ी शानदार एक गर्मी का सीज़न आपको लॉन्ग टर्म का मिलता है तो ये इनकी सेल्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा ईयर ऑन ईयर में आपको एक काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिलेगी दोस्तों तो मुझे लगता है आने वाला समय अब यहाँ से एसी कंपनीज के लिए चाहे वो ब्लू स्टार हो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है दोस्तों ठीक है डिस्क्लोजर के रूप में ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों कोई भी आप पोजिशन बनाए उसके लिए अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें दोस्तों और जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कीजिएगा ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों जय हिंद